दोस्तों, भारत देश में आपको अनेकों मंदिर देखने को मिलेंगे। इन सभी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सभी अलग अलग देवी देवताओं के लिए बनाए गए हैं। इन्हीं में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इनका अपना एक इतिहास भी है, हम इस वीडियो में उन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, जिसका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात के वेरावल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। इसे चंद्रमा द्वारा बनाया गया था, यानी कि सोमदेव द्वारा बनाया गया था। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप। ये त्रिवेणी संगम पर लोकेटेड है, जिस पर 3 नदियां लगती है, कपिला नदी, हिरण नदी, सरस्वती नदी। माइथोलॉजी के हिसाब से जब चंद्रमा ने एक कर्ज के कारण अपनी चमक खो दी थी, तब इसी जगह पर आकर सरस्वती नदी में स्नान करने से उन्हें अपनी चमक वापसी मिली थी। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम प्रभास यानी कि चमकदार पड़ा। इस क्षेत्र के कई और नाम भी हैं, जैसे कि सोमनाथ या सोमेश्वर। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। तो प्रजापति दक्ष ने अपनी कुछ बेटियों का विवाह सोमदेव से किया था, यानी कि चंद्रमा से। पर चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रिय रोहिणी थी, वो उन्हीं से प्रेम करते थे। ये जानकर बाकी की कन्याएं बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष से इस बारे में बात की। तब प्रजापति दक्ष ने सोमदेव को बुलाया और उन्हें समझाया कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप एक अच्छे कुल से हैं, आपने सबसे विवाह किया है, तो आपको सबको बराबरी का सम्मान और प्रेम देना पड़ेगा। यही समझाकर प्रजापति दक्ष ने सोमदेव को भेज दिया था। पर सोमदेव तब भी रोहिणी से ही प्यार करते थे और प्रजापति दक्ष के कई बार समझाने पर भी वो नहीं माने। और ये देखकर बाकी कन्याएं जो दुखी थी, उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष को ये समाचार भेजा। और फिर प्रजापति दक्ष ने सोमदेव को बुलाया और उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी चमक खो देंगे। ये जानकर सोमदेव और बाकी के देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक समाधान दिया कि वे सारे मिलकर त्रिवेणी संगम जाएं और वहां जाकर शिवलिंग की स्थापना करें, महादेव की उपासना करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर निरंतर करते रहें, जब तक कि महादेव प्रसन्न न हो जाए। और सोमदेव हर रोज़ यही करते रहे। 6 माह बाद शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने सोमदेव को श्रापमुक्त किया और उसी शिवलिंग में उन्होंने वास किया, जिसे बाद में सोमनाथ का नाम दिया गया। इस मंदिर के पीछे की कहानी का हिस्सा ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था और इसके शिवलिंग की स्थापना सोमदेव ने की थी। अब बात करते हैं यहाँ आना कैसे है। अगर आप दिल्ली से सोमनाथ जाना चाहते हैं तो वाया ट्रेन आप दिल्ली से वडोदरा, वडोदरा से वेरावल की ट्रेन ले सकते हैं, जो कि लगभग 24 घंटे का पूरा सफ़र है और 1000 रुपये तक आपका खर्चा आएगा। अगर आप मुंबई से सोमनाथ जाना चाहते हैं तो मुंबई से वडोदरा, वडोदरा से वेरावल की ट्रेन लेनी पड़ेगी। इसमें खर्चा 800 रुपये के करीब आएगा, जिसमें आपके 17 से 20 घंटे लगेंगे। और मुंबई से सीधी ट्रेन भी चलती है, जो आपकी डायरेक्ट है मुंबई से वेरावल की, जो 18 घंटे लेती है, जिसका खर्चा 500 रुपये के आसपास है। इस ट्रेन का नाम है सौराष्ट्र जनता। और अब बात करते हैं डायरेक्ट ट्रेन्स की, आपको कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेंगी जो कि आपको सीधा वेरावल ले जा सकती है। वो है अहमदाबाद से, जबलपुर से, मुंबई से, पुणे से। और इसके आगे का सफर आपको या तो शेयर टैक्सी से या प्राइवेट कैब से करना पड़ेगा। अगर आप वाया फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका राजकोट पड़ेगा। और इसी के साथ 2 एयरपोर्ट और भी हैं जो आपको इसके नियर अबाउट छोड़ देंगे। एक एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, दूसरा है वडोदरा का। और अगर आप वाया रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से सोमनाथ 1392 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट है, जो कि आपका 24 आवर्स की ड्राइव है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए